फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे को थोड़ा बहुत कोल्ड हो रखा है, मतलब कोल्ड वार में, या मौसम इतना चेंज हो रहा है। मतलब कल एकदम से इतनी ठंड हो गई, उससे पहले इतनी धूप थी। मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब तब मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया। उर्वशी को भी अभी भी फीवर ही है, अभी उसका फीवर ठीक नहीं हो रखा है। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। आज हम लोग बना रहे हैं परांठे। चलो फिर चलते हैं किचन में। और जस्ट हमने घर का काम किया है, मम्मी ने भी वॉशिंग मशीन खोल रखी है, कपड़े वगैरह धोएगी। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं घर वाले और क्या क्या कर रहे हैं। चलो चलते हैं मम्मी। और हो गई तैयारी परांठे की? क्या हो रही है? पूरी। अच्छा, यहाँ पे सिलबट्टे में दाल है ना मम्मी? सोयाबीन के। हाँ, सोयाबीन के परांठे हैं। आ रखे उमरापुर से, दादी के मायके से। अच्छा, दादी के मायके से आ रखे। अब हम लोग बनाएंगे इसके परांठे, तो आप लोग देख लीजिए हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं इसको। ये पानी निकाल चुका है मम्मी ने, और मम्मी सिलबट्टे में इसको कर रही है। सिलबट्टे का बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, सिलबट्टे में सब कुछ अच्छा होता है। मेरी आवाज़ भी काफ़ी मोटी हो रखी होगी, आप लोग सुन रहे होंगे, जो जुकाम हो रखा है मुझे थोड़ा बहुत। तब जाके आज का नाश्ता माँ हमारा यही है। अच्छा, और वैसे भी अब ठंडी आ गई, तो ठंडियों में तो परांठे ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है आज तो, ठंड हो गई है। ये हाँ, कोटद्वार का तो ऐसी है, जैसे अभी 9 बज रहा है तो अभी हो रखा है, एकदम ठंडा हो रखा है। दिन के समय धूप हो जाएगी तो ऐसे हो रहा है मौसम, ठंड गर्म हो रहा है, या फिर शाम को फिर ठंड हो जाती है। आप लोग देख लीजिए मेरी मम्मी कितने अच्छे से कर रही है यहाँ पे। मम्मी मास्टर शेफ। और इसके साथ मम्मी चटनी भी बनाई है। अच्छा, इसके साथ परांठे के साथ मेरी मम्मी ने चटनी भी बना रखी है। परांठा और चटनी बहुत अच्छा होता है, देख लीजिए आप लोग मेरी मम्मी को। मम्मी पूरी मेहनत के साथ लगी है यहाँ, और देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं और मेरे घर वाले। मम्मी तो कर है अब और घर वालों के पास, और क्या क्या करें। दिशी आ चुकी है यहाँ पे। दिशी, वो सबको हाय बोल दे। हाय। चलो अब देखते हैं कि मेरी दादी क्या कर रही है के पास। दादी ये रही। दादी। हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? बना के आ रही हूँ। हाँ, और अब पूजा कर रही हूँ। हाँ, अब दादी का टाइम हो चुका है, अब दादी पूजा करेगी, फिर करेगी नाश्ता, और हमारी हो चुकी है अब नाश्ते की तैयारी। दादी बस सबको हाय तो बोल लो। हाय। दादी भूल गए। नमस्कार। हेलो भी बोल दिया दादी। नमस्कार आप भी बोल दिया। नमस्कार भी बोल दिया। और फिर जुकाम से ऐसा हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ सच में कि बाहर कितना ठंडा हो रखा। मतलब 9 बज गए और बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं है। मतलब देख सकते कैसा हो रखा है मेरा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का भी। आप लोग बिल्कुल भी यहाँ धूप नहीं है, धूप क्या, यहाँ तो सूरज भी नहीं दिख रहा है। देख लीजिए आप लोग, सूरज भी कहाँ से दिखेगा जब धूप ही नहीं है। तो वही बात है, मतलब मौसम भी पूरा काला हो रखा है यहाँ, हल्का बहुत काला हो चुका है ठंड से। और ये हमारे घर की सब्जियाँ हैं, देख लीजिए आप लोग, घर के आगे हरा हरा। और हमारा ये आम का पेड़ है, और ये गली के बाहर ही हमारी रोड है, सीधा मेन रोड है। बट बहुत ठंडा हो रखा है यहाँ पर। हमने कुछ प्लांट्स, आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये पूरे डेकोरेट वाले हैं दोनों के दोनों, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम प्रिंटेड टाइप की इसकी लीफ है, ये देख लीजिए आप लोग। और ये वाला भी देख लीजिए, इसकी लीफ कितनी डिफरेंट है, ये दिया। और ये आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा ये वाला खेत है, इसमें हम लोगों ने आलू लगा रखे हैं। जब हम लोग आलू निकालेंगे तो मैं उसका ब्लॉग भी बनाऊंगी। सारे आलू लग रखे हैं हमारे खेत पे, ये देख लीजिए आप लोग। चलते हैं अब अंदर, क्योंकि बिल्कुल धूप नहीं, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरे को पहले से ही कोल्ड हो रखा है, तो अंदर ही चल लेते हैं फिलहाल।
कैसे हो रखा है ना मेरा चेहरा, ऐसे खांसी जुकाम में नहीं हो जाता, फीवर में वैसे हो रखा है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। अब ठंडियों में तो खांसी जुकाम लगा रहता है हर किसी को, बस अपनी केयर करनी पड़ती है। चलो चलते हैं अब किचन में। यार मम्मी है और यहाँ पे मेरी दादी अब कर रही है पूजा। करते हैं हम लोग चलेंगे अब किचन में, देखते मम्मी ने कितना करा है। मम्मी कितना करा है, हो गया? अच्छा, मैं मम्मी इसमें नमक मिर्च डालने लग चुकी है। अब मम्मी इसको करेगी मिक्स। और क्या है मम्मी, अजवाइन भी डाल दिया मम्मी ने इसमें, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं घर में। और ठंडियों के समय तो हमारे घर में डेली परांठे बनते रहते हैं, अभी तो ठंडियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देख लीजिए मेरी मम्मी कैसे करती है इसको, सिल बट्टे में कर चुका है मम्मी ने मिक्स। ये देख लीजिए, आप लोग अच्छे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या धनिया? अच्छा ठीक है, अभी लाए ना खेत से, दादी लाए। हाँ ठीक है, खेत के धनिया का ही यूज करते हैं हम लोग, तो मैं लेके आती हूँ। चलो फिर चलते। तो कहाँ है धनिया? अंदर रखा है। अंदर? मम्मी ने कहा कि बाहर है। बल नहीं, अच्छा अंदर है। ये मूले खेत के है क्या? हाँ। ये देख लीजिए आप लोग, ये हमारे खेत के मूले है, देख लो आप लोग। अब मूले के परांठे बनेंगे हमारे तो कुछ टाइम बाद। चलो मैं धनिया ले लेती हूँ। धनिया हमारे खेत के। मम्मी अरे धनिया क्या करते हैं, चकाचक मेरी मम्मी बोली मैंने चकाचक कर दिया। अच्छा सिलबट्टा धो दिया मेरी मम्मी ने जब तक मैं धनिया लेके आई। ये देखो कितनी छोटी सी है ये, ये देख लीजिए आप लोग। मम्मी इसमें डाल देगी धनिया, तब आएगा मस्त स्वाद इसमें क्या। अच्छा अब धनिया काटने लग गई है, ये देख लीजिए कितना टेस्टी लग रहा है। मम्मी अब इसको मिक्स कर देगी। देख दीजिए खेत की धनिया एकदम फ्रेश फ्रेश सुबह के आ रखी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने तवा भी रख चुका है, कम आँच में रख रखा है कि थोड़ा गर्म हो जाए। अब मम्मी मास्टर शेफ बनाएगी परांठे और उसके बाद चाय। और वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, चटनी रखी है मम्मी ने, देख लीजिए आप लोग। वाव कितनी टेस्टी है। वो है भांग की। किसकी मम्मी? भांग। अच्छा, और धनिया मिर्ची तो है ही पर। हाँ ये देख लीजिए आप। अब मम्मी ने तैयारी कर चुकी है सब कुछ, तेल वगैरह मम्मी ने सब रख दिया है। अब बनाएगी मेरी मम्मी परांठे। दादी ने भी पूजा कर चुकी है तो फिर अब दादी भी खाएगी नाश्ता, फिर उसके बाद हम लोग। भैया मम्मी उस दिन हम जब ताड़केश्वर गए थे ना, तो उस दिन कितने बंदर थे ना वहाँ। मम्मी का हंसी आ गई। क्या भरता है बड़ा भरता। हाँ मतलब ऐसे आ गए थे ना बंदर, मैंने कहा भैया आज तो मैं गई। हाँ वो थैले मैंने जबकि छुपा दिए थे, उनकी आंख इतनी तेज थी, उन्होंने ना दूरी से देख दिए थे। हाँ और हर किसी पे आ रहे थे जिनके पास थैला नहीं था। एक अंकल नहीं कह रहे थे कि मेरा सौंप क्या ले गए थे, बोल सौंप ले गए थे बल वो बंदर, जबकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो एक थैला ही तो था वो, जबकि मैंने छुपा दिया था वो। थैला था ना, वो ये सोचते हैं ना हाँ कि हमको देंगे खाएंगे कुछ। हाँ हम तो पता कर सा कि वो बांदर से जब हम पहली बार बोली से। हाँ काफी टाइम पहले गए थे जब हम लोग, तो इतना अंतर आ गया। हाँ बांदर ही बांदर छाई वक सर भारत में गोली बांध रहे थे। हाँ घर को मत बांध ही बांध रहे हैं सर। हाँ उर्वशी कैसे डरी, उर्वशी ने तो डंडा ही पकड़ दिया। हाँ।
यहाँ जबकि कोटद्वार में नहीं है इतने बंदर वगैरह, मतलब हमारे जिस साइड हम रहते हैं ना उस साइड नहीं है, तो हमने हाँ जहाँ हम रहते हैं उस साइड तो बंदर नहीं है, पर मार्केट में कोटद्वार की साइड बंदर ही बंदर हो रखे हैं। अब सिद्धबली मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, कोटद्वार का फेमस मंदिर, तो वहाँ भी काफ़ी बंदर रहते हैं, बट वो बंदर इतना कुछ नहीं करते क्योंकि उन लोगों को मिलता रहता है ना मतलब भंडारा वगैरह। और जहाँ हम गए थे तारकेश्वर में तो वहाँ भंडारा ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो जो बंदर है वो लोगों के पास ही जाते हैं छीनने के लिए कि क्या है क्या नहीं है इनके पास। तो मेरे पास आ गया था, मेरे तो तब जाते ही मंदिर के अंदर हाँ आप मेरी फोटो बनाते तो बंदर तुम्हें कोई खाने के लिए आ जाता। मम्मी को देखना चलो, तेरी हमने वाली वीडियो नहीं बनाई जब बंदर आए तेरे पास, खुद ही घबरा गए थे हम लोग वहाँ। उसके बाद दिशी को डराने आ गए वो बंदर, फिर दिशी के पीछे पड़ गए थे। मम्मी ने देख लीजिए आप लोग, मम्मी ने बात करते करते यहाँ पे दो बना चुके हैं, मैं छोटे छोटे बनाती हूँ, मैं रोटी भी छोटी बनती हूँ और परांठे भी। मम्मी बोलती है एक दाढ़ के लिए बना रखा है, बोल तूने तो बोल कि मतलब एक गप्फे के लायक बना रखा है, कितने छोटे बनाती है। मम्मी ने देखो कैसे बना रखे, एकदम पतले पतले ऐसे लग रहा है कि रोटी बनाई होगी, जबकि उसमें इतना मसाला डाल रखा है मम्मी ने पूरे परांठे का। जिससे अच्छे से हो जाए। मम्मी मेरे को इसलिए बनाने नहीं दे रही ना क्योंकि मेरे को जुखाम हो रखा है, तब जाके मैं आप लोगों को सिलबट्टा दिखाती हूँ। मम्मी कितना पुराना होगा ये कम से कम? हाँ ये रहो ये देख लीजिए। हाँ हम थोड़ी देर के बाद खाएंगे, पहले दादी को, क्योंकि दादी जल्दी उठ जाती है हम लोगों से पहले, फिर पूजा पाठ वगैरह, तो फिर दादी को भूख लग जाती है, वो शुगर भी है, और तो दादी को टाइम से टाइम मतलब रोटी भी खानी पड़ती है और दवाई भी खानी पड़ती है ना शुगर की, तो पहले हम लोग दे रहे हैं दादी को, फिर उसके बाद खाएंगे हम लोग। ये मम्मी यहाँ पे दादी के लिए बना रही है पहले यहाँ पे दूसरा बनाने लग गई है दादी के लिए, हमने दे दिया है, अब दादी दवाई वगैरह खाने लग गई और साथ में टीवी शो देख रही है मेरी दादी अनुपमा। क्या हाँ जब बनेंगे तब बुलाऊंगी ना दिशी को। मम्मी का तो ध्यान परांठे में, और थोड़ी देर के बाद चाय। देखो अदरक वगैरह रख रखा है इसमें ठंडियों में अदरक, और आप लोग अभी देख लीजिए बिल्कुल धूप नहीं आई, अब 9:30 हो चुके हैं, 9:30 हो गए अब और अभी तक धूप नहीं आई कोटद्वार में। यहाँ कौन आया? अच्छा दिशा अपने के लिए अब नाश्ता लेने आ चुकी है, चाय पिएगी तू क्या? अच्छा मेरे को तो चाय जब भी दे दो मैं तो पी देती हूँ। यही लोग है जो चाय नहीं पीते, ध्यान से देखिए इनकी शक्ल बना रही है। यो अब मैंने अपना मोबाइल वहाँ पे रख चुका है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और मेरी मम्मी बना रही है परांठे, चाय परांठे और चटनी सब कुछ रेडी है। और साथ में चाय और चटनी। मम्मी दादी भी ना, दादी मैं और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, चाय लवर है, चाय पसंद है हम सभी को। मम्मी लोगों ने अभी तक कितने बार पी दी होगी कम से कम? एक साथ तो दिशी को चाय ज्यादा नहीं पसंद, दिशी बहुत अलग है। अदरक खोल रही हूँ, पानी पीने के लिए ना गर्म पानी ठंडे पानी पीना चाहिए। हाँ फिर
हाँ सुनने में आ तो रहा है कि कोरोना आ गया दोबारा से। ठंडियों में आता है वो ठंड से शायद। वो कोरोना कहता है कि भाई ठंडियों में सब के सब अपना अंदर रहो बाहर नहीं आना। हम ज्यादा मजाक नहीं बना रहे कोरोना का, बट भी सेफ, मास्क वगैरह पहनो आप लोग भी। उबालेंगे और मैं दूध लेके आती हूँ, मम्मी करेगी अब आप लोगों के साथ बात। किसी पराठे ले जाओ। अब डर लग रही, इस पेपर कोरोना आ गया ही। सावधान रहो, हम भी तुम लोग भी सब। मैंने कहा वो डायरेबल मम्मी किसके साथ बात कर रही है। अरे यार दीजिए बिना कॉमेडी कर दी दीजिए ने। मुझे पता है कि तुम क्या प्रॉब्लम क्यों बोल रही है। मैंने मोबाइल उधर रखा हुआ था ना, मैंने हाथ भी नहीं पकड़ा हुआ था, अतः दीशी कंफ्यूज हो गई। ये रहा परांठा दीशी के लिए दूसरा। चाय भी सब कुछ हो चुका है, पहले हम लोग बनाएंगे फीकी दादी के लिए, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे चीनी। चाय की तैयारी हो गई है मेरी और मम्मी परांठे बना रही है मिल्ले और अपने के लिए। दिशी भी अब ले जा रही है। इसको मज़ा आता है कि पहले पूरी उबाल दी चाय, फिर उसको कम आंच में कर दिया, कम ज़्यादा करने में मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो यही करती रहती हूँ, उबाल देती हूँ पहले अच्छे से चाय को, चाय पत्ती को, तो यही खेलती रहती हूँ। मेरे तो एक तरीके से यहाँ पे खेल हो गया ये। मम्मी ने अब चिमनी भी ऑन कर चुकी है क्योंकि परांठे में ऑन करनी पड़ती है चिमनी, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो ये उबल गया है, अब मैं दादी को भी चाय दे के आ गई हूँ और मैंने चीनी भी डाल चुकी है मेले और मम्मी के लिए, और मम्मी ने यहाँ पे परांठा भी बना चुका है मेले और अपने के लिए। चीनी डाल दी तो थोड़ी देर उबालने के लिए रख देती हूँ मैं, और मम्मी ने अपने के लिए रख चुका है घी, घर का घी है ये भी हमारा, तो घर का ही घी बनाते हैं हम लोग। रेसिपी एक बार मैंने आप लोगों को बताई थी, दादी ने बनाया था, तो आप लोग वाला ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं मेरा। और मम्मी ने बना चुके हैं परांठे और चाय भी हमारी बस बन गई है, चटनी तो बना रखी है पहले से हम लोगों ने रख रही है चाय मेले और अपने के लिए। दादी को तो हमने पहले ही दे दी थी और दिशी पीती नहीं है, ये देख लीजिए आप लोग। और ये गिलास, ये कप मेरा है, ये मैं सेल से वहाँ से लेके आई थी सिद्धबली मेले से, तो मैं इसमें ही पीती हूँ, मेरा फेवरेट है ये, अब ये मेरा दोस्त बन चुका है। मम्मी ने हमारे परांठे भी रख चुके हैं, बट ऐसा नहीं कि हम लोग एक एक खाएंगे, एक मेरी मम्मी यहाँ पे बना रही है, एक उसके अंदर रख चुका है मम्मी ने, ये देख लीजिए आप लोग। मम्मी चटनी भूल रही, हाँ ये रही चटनी और साइड में चाय। बस मम्मी ने यहाँ पे मिले रेडी कर चुका है और एक मेरा उसके अंदर है। मेरा हो चुका है नाश्ते की पूरी तैयारी, आप लोग देख लीजिए, ये मेरा दोस्त है ये छोटा सा। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। आज तो बहुत टेस्टी नाश्ता है, परांठे चाय और चटनी। अब ठंडियों में मेरी मम्मी यही बनाती रही, तो मैं नए नए ब्लॉग्स लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तक खा चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा था, परांठे बनाए थे आज हम लोगों ने, आप लोगों ने देख ही दिया होंगे। अब अभी मैंने किचन साफ़ किया, अब मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी के साथ बर्तन धोने के लिए। वैसे हम लोग किचन में भी धो सकते थे, बट नीचे हमारी टंकी है तो आराम से बैठ के वहीं धो लेते हैं हम लोग, क्योंकि खेत भी हमारा थोड़ा बहुत खेत का भी काम कर लेते हैं तब तक हम। चलो चलते, मम्मी तो चली गई नीचे, अब भूला भांडा चलते हैं। मम्मी आ गई मैं बर्तन धोने के लिए, हाँ भांडा धोएंगे अब। चलाना तेज खोल, हाँ जुकाम हो गया ना, ठंडा 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 लग रहा है पानी एकदम से हाथ में, बहुत घाम भी आन बढ़िया, जरा से कपड़े भी धोए। आ रहा है काम, वो भी 11 बजे आ रहा है, वो भी हल्की धूप है, ठंड हो गई। मम्मी मेरे बर्तन भी दिखा रही है कि मैंने कैसे धो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे मांझ रही है
मेरे मम्मी ने यहाँ पे छालने के लिए रख चुके हैं बर्तन। और मम्मी क्या क्यों रुचि तब बस क्या होता कपड़ा लता धोला फिर दोबारा से खाना, दिन का खाना यही है बस, यही चलता रहता है। मम्मी ने तो मस्त लाइन बोल दी है यहाँ पे। हाँ तो हम लोग बर्तन धो लेते हैं, आपको हम फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं मम्मी ने, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे जमा कर चुके हैं छालने के लिए, तो मैं बाद में मिलती हूँ। धो चुके हैं हम लोगों ने बर्तन, मम्मी ये रही, चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। ये हमारा खेत है और हमारा दूध भी आ चुका है। मम्मी दूध आ गया, तो हमारा दूध भी आ गया है, अब इसको ले जाएंगे हम लोग ऊपर। दूध भी आ चुका है, हम लोगों ने दूध लगा रखा है, तो फिर बॉटल में आता है हमारा दूध, तो वो रहा, अब जाएंगे ऊपर तो बांधेंगे फिर दूध को। चलो तब तक थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। अब मेरे पीछे ये रहा हमारा पूरा आलू का खेत है, हमारा पूरा आलू आलू लगा रखे हम लोगों ने, कितने बड़े बड़े गेंदे लग रखे हैं। हेलो बुआ, एक बार हाय बोल दे। हाँ उस लड़की की पतंग थी आप लोगों के छत में, तो आप लोगों ने दे दी होगी। टुकू हाय बोल, टुकू हाय बोल, टुकू तो आई नहीं रही कैमरे में। टुकू की माला कितनी अच्छी लग रही है, ले गए वो पतंग, आपकी छत में थी शायद से। हाय मम्मी क्या कर रही है? अच्छा वहाँ पे गाय के लिए रख चुका है कलचोड़ी, पीड़ा कलचोड़ी बोल रही मम्मी, दोनों चीज़ एक साथ, ये हमारा खेत है। ऊपर मैंने दूध की बॉटल भी पकड़ चुकी है, आप लोगों टुक्कू से मिल गए होंगे, हमारे पड़ोसी है, वो छोटी सी बच्ची है, वो क्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा। चलो चलते हैं, सारा काम तो हो गया हमारा, अब सबके सब नहाएंगे एक एक करके। चलो दूध रख देते हैं, जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा मेरा तो बट। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर चुका है और बॉटल भी धो चुकी है। मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने से पहले मेरी मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो वो मैंने छत में सुखाए, फिर मैं नहाई, और मेरे को बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा है, तो मैं आगे का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।